हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर। तो फ्रेंड्स, अपने चलेंगे सिलेबस किरण बुक 9100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें नंबर सिस्टम टाइप 2 में 77 नंबर को क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो 77 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, यहां से क्वेश्चन कह रहा था कि 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न तो 7 से विभाजित होती हैं। तो न 3 से विभाजित करना है न 7 से विभाजित हो, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो यहां से देख लीजिए, एक अपर है, एक लोअर है, मतलब कि 950 जो है अपर है, जो 700 है ये लोअर है। तो यहां से 77 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। पहले अपर को उठा लीजिए, 900 कितना है भाई, 50 है। तो 950 है, तो अब बताइए कि इसका सूत्र भी ये होता है कि अपर बटा एलसीएम माइनस लोअर माइनस 1, तो 700 माइनस 1 बटा एलसीएम। तो यहां से एलसीएम से भाग के दिए, यहां से एलसीएम देखे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 होगा। तो अब बताइए, जो 21 है, जो 3 से विभाजित नहीं है और 7 से विभाजित नहीं, उसी का एलसीएम आया है। अब जो विभाजित है उसका थोड़ा यहां पे लिखवा दीजिए। तो यहां से विभाजित है कौन, एक विभाजित है ना, 3 से विभाजित है ना, 1 से 7 से विभाजित है। तो यहां से बताइए कि 9 विभाजित होने वाला, जो 1 3 से 9 विभाजित है और 9 7 से विभाजित है, तो एक जो है ऐसी संख्या है जो 3 से 7 से विभाजित है। यहां से दूसरा है, इसके बाद तीसरा भी है, तो तीसरा तो यहां से 3 से विभाजित हो जाएगा, तो नहीं विभाजित होने वाला ना, कि 9 3 से 7 से विभाजित होने वाला संख्या बताना है। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 तो 3 से हो जा रहा है, तो यहाँ से 7 भी हो जा रहा है, तो यहाँ से ले लेंगे 8। इसके बाद 9 भी नहीं लेंगे, यहाँ से 10 ले लेंगे, इसके बाद 11 ले लेंगे, और यहाँ से फिर कितना लेंगे, 12 लेंगे, तो फिर तो डिवाइड कर देगा 3 से, यहाँ से 13 मतलब 13 ले लेंगे, इसके बाद 14 भी नहीं लेंगे, 15 ले लेंगे, 15 भी नहीं लेंगे, देख लीजिए 3 से भाग ले जाएगा, 15 नहीं लेंगे तो 16 ले लेंगे, इसके बाद 17 ले लेंगे, इसके बाद 18 ले लेंगे, तो 18 लेंगे तो फिर तो 3 से विभाजित होगा, तो 18 भी नहीं लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे भाई, 19 ले लेंगे, इसके बाद 20 लेंगे, 21 तक है ना, तो 21 लेंगे तो 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो यही तो आपका संख्या जो 3 और 7 से नहीं कटेगा। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 कितनी ऐसी संख्याएं हैं 21 में, 1 से लेकर 21 तक, कि 3 न 3 से विभाजित हो न 7 से विभाजित हो, तो 12। ठीक है, अभी 12 की यूज करने वाले हैं, 21 से कटाएंगे तो 21 से 2184 और यहां से कितना बचा 1 और 1 कितना, एक जीरो उतार दिए 110। 21 पर चिप कितना होता है, 7500 होता है। अब चलिए, 21 पर चिप 7500 होता है, तो यहां से 105 घटा दिए तो बचा कितना भाई, अभी शेष पर 5 बचा। अब चलिए, टोटल कितना भागफल हुआ है, 45। लेकिन यहाँ पे कौन कितनी ऐसी, एक से लेकर 21 तक संख्या कितनी ऐसी संख्या है जो न 3 से न 7 से विभाजित, तो 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। अब यहां से देखा जाए, 5 अभी संख्या बचा हुआ है, तो 5 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न 3 से कटता है न 7 से कटता है, तो 5 तो यहाँ पे है ना, 5 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कितनी संख्या है, 4 जो संख्या। तो इस 4 को क्या करते हैं, शेषफल को ऐड करते हैं ना, तो आप यहां से 4 को उठा लिए और 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां से बता दीजिए, तो यहां से 12 से गुणा करें, 12 5 60 की 0 और यहां से कितना हो जाएगा, 6 हासिल बचा, तो बचो 48, 48 हो कितना होता है, 54। और 54 प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 54 और 544। ठीक है, अब चलेंगे यहां से, आपका क्या है लोअर के, लोअर वैल्यू कितना है, 700 है, तो यहां से 700 में से एक घटा देंगे तो कितना, 699 हो जाएगा। और फिर इससे भाग करेंगे एलसीएम से, 21 से 21 63 होता है, और यहां से घटा देंगे तो कितना, 6 बचा, और यहां से उतार दिए 9, 21 फिर 63 हो गया, तो यहां से कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा अभी विशेषफल। फिर वही बात करेंगे, जो 6 तक शेषफल लेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 31 भागफल हुआ, और यहाँ से अब बताइए कि कितना टोटल संख्या है जो 3 से और 9 7 से विभाजित हो, तो 12। तो यहाँ से 12 से गुना करेंगे प्लस, अब बताइए 6 शेषफल हुआ जो 3 से और 9 7 से विभाजित हो,
तो यहाँ से 6 तक लेंगे तो ये 8 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 5 तक लेंगे तो 1 2 3 4 और 1 5 चार ही फिर राइट कर देंगे। 12 तिये कितना होता है भाई? 36 होता है। अब बताइए 12 तिये 36 होता है कि 6 लिख दिया यहाँ पे और हासिल 3 बचा। 12 तिये 36 और 3 कितना? 39। अब प्लस कितना? 4 ऐड कर देंगे। यहाँ से 6 4 10 की 0, 9 1 10 की 0 और 3 1 4 कितना हुआ संख्या? ऐसी संख्याएं कितनी है जो न 7 से न 3 से न 3 से विभाजित है। तो यहाँ से देखिए पहले वाला में अपर केस में क्या होता है? माइनस होता है ना, अपर बटा एलसीएम माइनस लोअर माइनस 1 बटा एलसीएम। तो माइनस के चिन्ह यहाँ से लगा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ से 544 और माइनस कितना 400 घटा देंगे तो कितना 4 4 और 1 आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 144 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, आप देख लीजिए क्वेश्चन। यहां से 78 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से कह रहा था कि 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन यहां से दे चुका है कि 1 से लेकर कितना तक भाई? 200 तक। यहां से आपका लोअर केस कितना है? 1 है। यहां से कितना हो जाएगा? 200। तो इसको 1 में से अपर बटा एलसीएम माइनस लोअर माइनस 1, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, इसका तो वैल्यू भागफल देगा नहीं। यहां से अगर 0 हो जाएगा ऊपर या नीचे हो जाएगा 3 और 7 का एलसीएम 21, तो ये कभी भागफल देगा? तो इससे कोई काम नहीं है, केवल इससे काम हो जाएगा। तो अपर कितना दिया भाई? 200। इसको भाग देना है तो एलसीएम आपका कितना आ जा रहा है? 7 और 3 का 21 हो जा रहा है। तो अब बताइए 21, 1 से लेकर 21 तक यहाँ पे संख्या है, इसमें 3 से विभाजित होती है और 7 से नहीं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है और 7 से नहीं? तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या यहां से लिख दीजिए। तो यहां से 3 से विभाजित होने वाला एक संख्या कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद 9 हो जाएगा और यहां से कितना? 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 3 15 हो जाएगा और यहाँ 15 और 15 3 18, 18 3 कितना? 21। 21 तो नहीं लेंगे नहीं, इसलिए कि 7 से विभाजित हो रहा है, तो 7 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो आपकी संख्या कितना हो गया भाई? तो 1 2 3 4 5 1 6 कितनी संख्या है जो केवल 3 से विभाजित हो, 7 से नहीं हो? तो यहाँ से 6 संख्या। तो आप इसको एलसीएम से भाग दे दीजिए, यहाँ से 21 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 91 9 से 18 9 यहाँ से घटाएंगे तो 10 मिले 9 गया कितना? 1 और 9 मिले 8 गया कितना होता है? 1। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ से तो ये हो गया। अब चलिए ये जो भागफल हुआ कितनी संख्या ऐसी है जो 6 से 3 से विभाजित है और 7 से नहीं, तो यहाँ से 6 ऐसी संख्या है जो केवल 3 से विभाजित है। अब बताए ठीक इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, तो यहाँ से 6 से गुणा कर दिया और कितना बचा? 11 बचा। तो 11 में ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 3 से विभाजित हो और 7 से नहीं? तो ये तो 12 हो जा रहा है, यहीं तक लेके चलेंगे 1 2 3, तो 3 को यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब यहाँ से चलेंगे आगे तो 9 6 का कितना होता है? 54। और 54 और प्लस 3 कितना होता है? यहाँ से 57। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 57। ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि 3401 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, विभाज होना चाहिए। तो देखिए घटाने के लिए जब भी घटाते हैं तो जब भी न्यूनतम कहे घटाने के लिए कहे ना तो डायरेक्ट घटा देते हैं, जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो भाजक माइनस से। दो शर्त होता है, जब भी घटाने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे और जब भी जोड़ने की बात कहा जाए तो आपको भाजक का माइनस शेष करने तब वो संख्या को जोड़ेंगे। यहां से 80 नंबर क्वेश्चन,
18 नंबर क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कर रहा है कि 34001 में कौन सी ऐसी संख्या घटाई जाए जो 11 से क्या है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां से डायरेक्ट 11 से विभाजित कीजिए, 11 के कितना होता है 33 हो जाएगा, कितना बचा 1 बचा, इसके बाद 0 बचा, तो भाग अब तो अभी तो जाएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या उतारेंगे भाई, 1 उतार देंगे और यहां से एक 0 तो उतारना ही है, इसलिए एक डबल 0 उतर गया तो एक 0 उतरना ही है। अब चलिए यहां से 11 से फिर भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 11 99, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 99, और कितना बच रहा है 11 में ले 9 गया कितना होता है 2, आपकी शेषफल कितना बच रहा है 2। अब देखिए डायरेक्ट इसको घटा देना है, तो अब तो भाजक का माइनस शेष नहीं करना है, इसलिए कि जब भी घटाया जाएगा तो डायरेक्ट घटा देना है, तो और जब भी जोड़ना पड़ेगा तो भाजक और माइनस शेष घटाकर और जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से डायरेक्ट घटाना है तो कितना घटाना है, तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, यही ना 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये 2 को हटा दीजिएगा, तो वही तो घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि जब 2468 को 37 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचेगा, यही ना पूछ रहा है। यहां से देखिए एक क्वेश्चन छोड़ चुके हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 2143 को 38 से विभाजित किया जाता है तो भागफल का मान क्या होगा, तो यहां से 2100 कितना है भाई, 2143 है, इसको कितना से भाग कर रहे हैं 38 से भाग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है तो भागफल क्या आएगा, तो यहां से भाग ले जाइए यहां से 5 बार में, तो 5 से भाग ले जाइएगा, 5 8 40 की 0 हासिल 4 और 5 15 चार कितना होता है 19 होता है, 190 यहां से घटाएंगे तो 4 11 में ले 9 गया 2, यहां से फिर 3 उतारेंगे, इसके बाद ले जाएंगे कितना बार में भाई, तो 6 बार में लेगा, 6 8 48 की 8 हासिल 4 और यहां से 6 18 18 चार कितना होता है 22 होता है, यहां से घटाएंगे तो 13 में ले 8 गया कितना होता है 5 होता है, और ये 3 हो गया, 3 में ले 1 2 गया कितना होता है 1 होता है, तो आपका शेषफल कितना हो गया 15। तो क्वेश्चन कह रहा था कि भागफल केवल बताना है, तो भागफल बताना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट, ठीक है, शेषफल पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए भागफल का पूछ रहा है कि भागफल कितना बचेगा, तो भागफल आपका 56 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि जब 2464 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, यही ना, यहां से 2464 यहाँ पे है और इसको 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेषफल आता है, तो यहां से भाग देंगे तो कितना बार मिल जाएगा 5 से, यहां से अगर 5 से लेकर जाएंगे तो 5 5 15 5 से लेकर जा रहे हैं 5 7 35 की 5 और 5 3 15 3 कितना होता है 6 बार में जाएगा, यहां से 6 बार में 6 7 कितना होता है 42 2 हासिल 4 और 6 3 18 18 चल कितना होता है 22, यहां से चला गया, यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां से फिर उतार दिए कितना 1, अब यहां से ले जाएंगे कितना बार में, कितना बार में ले जाएंगे तो थोड़ा लेकर जाते हैं 7 बार में, 37 × 7 47 × 49 और 21 और 4 कितना होता है 21 7 24, तो यहां से ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 से बार में ले जाएंगे 222, यहां से 6 हो गया, यहां से 2 हुआ, यहां से ये 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा आपका 26, ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन यहां से दिया है 82 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 432P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो पी का मान क्या, पी का मान क्या होगा, मतलब पी का मान यहां पे क्या होगा, तो यहां से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कि 432P1 को इसको कितना से विभाजित करना है भाई, तो 9 से विभाजित करना है, तो अब बताइए कि 9 से विभाजित कीजिएगा तो एस, अब तो पी के जगह पर मान रखना पड़ेगा, आप तो चेक कीजिएगा, अब चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब जो देखिए आपके 9 से विभाजक नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर 9 से मल्टीपल माने कि 9 से कट जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित है, यहां से जोड़िए
कितना हो रहा है, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। अब बताइए कि 10 ये तो हो जाएगा, अब तो पी तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10 9 से तो 10 कटेगा नहीं, और 9 के बाद मल्टीपल कौन होना चाहिए, 10 के बाद मल्टीपल कौन होना चाहिए, तो 9 9 2 नहीं 18। तो अब बताइए 18 लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पी के जगह पर, तो पी के जगह पर आपको 9 लिखना पड़ेगा, तब 8 लिखना पड़ेगा ना, सॉरी 8 लिखना पड़ेगा, तो आपको 8 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, 10 ना 10 8 18 होगा। तो आपकी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 83 देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 100 में ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। देखिए यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, वहां पे क्या कि घटाने की बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे भाई, तो केवल जोड़ रहा है तो आपको क्या करना होगा, भाजक का माइनस क्या करना पड़ेगा, शेष करना पड़ेगा। तो यहाँ से 100 में से ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक संख्या 100 है, इसको 6 से विभाजित करना है, तो एक बार में जाएंगे, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, और 6 1 36, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब चलिए, जब भी जोड़ने की बात कहा जाए, इसमें संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ने की जब भी बात किया जाए तो भाजक और माइनस शेष पर, तो यहाँ से 6 में से 4 घटाई दिया 2, इसका मतलब कि कौन सी संख्या जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है, उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पूछा है 2017 में MTS मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो यहां से देख लीजिए, यहां से शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है, तो डायरेक्ट इस शेषफल को कुछ देर के लिए संख्या मान लीजिए, और कितना से भाग देना है, 16 से 16 एक बार में जाएगा, तो आपका शेषफल पूछ रहा था कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट से आप देखते देखते आंसर को मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 85 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या, एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे जब 3 4 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 1 2 और 4 आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n को जब वो जो बड़ी संख्या लिए, n को मतलब उस संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है, यही ना। देखिए यहां से मान लीजिए कि सबसे बड़ी संख्या उठा लिए, अनिश भाई सबसे बड़ी संख्या 2 अंक का कितना, 99। अब क्वेश्चन कह रहा था कि यहां से जब 3 से भाग दे रहे हैं, जब 3 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष, 1 शेष, और जब 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष, 2 शेष, और जब 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष, 4 शेष। अब थोड़ा इसको घटाकर देखते हैं कि क्या बराबर शेष दे रहा है, बराबर अंतर है। तो यहां से देखिए ये हूबहू किसका क्वेश्चन है, ये आर एस अग्रवाल में अगर जाइएगा आप LCA PLCM पढ़िएगा तो वहां से एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन तौर पर दिया है, एग्जाम्पल में हूबहू ऐसे ही बनाया है। तो यहां से कितना, ये 2 हो जाएगा, ये भी अंतर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी अंतर करेंगे तो 2, ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब बताइए यहां से 6 से कितना से, और 3 6 और 12 का एलसीएम, 3 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। इसका एलसीएम से डिवाइड किए तो कितना, 12 8 कितना होता है, 96 होता है। अब यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए कि जब भी घटाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहां से घटा दीजिए, जब भी घटाना होगा तो क्या करेंगे भाई, तो इसमें से किसको घटा देंगे, बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, तो इसको घटा देंगे, तो यहां से 99 हुआ और माइनस कितना करेंगे, 3। और जब ये डिस्टर्ब कर रहा है तो यहां से इसको भी घटा देंगे, 2 घटा दिए तो कितना हुआ, क्या कितना, यहां से 3 2 5, और 5 9 में से 5 ये कितना होता है, 4 होता है, यहां से कितना, 94। अब ये संख्या आ गया जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो ये 94 आ गया, कह रहे कि n को, यही ना n हुआ, तो n को अब 5 से डिवाइड करना है,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। जब ये 94 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना देगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना 44 हो गया, आप 5 8 40 कितना बचा शेषफल आपका 4 बच गया। तो आपका यही तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1।